प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग सिविक सेंटर भिलाई के तत्वावधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सेक्टर 9 के सहयोग से दुर्ग संभाग के सभी डाकघर कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय डाक विभाग द्वारा अब लगातार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को विभिन्न तरीकों से लाभ पहुँचाने के लिए वक्त वक्त पर कई आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की भाग दौड़ भरी जिंदगी को देखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रवर अधीक्षक डाकघर संभाग दुर्ग सिविक सेंटर भिलाई परिसर में किया गया, जिसमें दुर्ग संभाग के सभी डाकघर के कर्मचारी एवं अधिकारी इस आयोजन में शामिल हुए और इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। इस शिविर के साथ में रक्तदान के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था, जिसके तहत 8 यूनिट रक्तदान संपन्न हो पाया। इसमें से एक रक्तदाता ने अपने डर पर जीत पाते हुए प्रथम बार अपना रक्तदान किया और हमें बताया कि वह पहले रक्तदान के नाम से बहुत डरते थे और आज जब हिम्मत करके उन्होंने प्रथम बार रक्तदान किया तो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और खुशी हो रही है। सर, फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं आप? जी, फर्स्ट टाइम। कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश अपने आप को, बहुत मतलब खुशी मतलब महसूस हो गया। अच्छा, क्या हुआ कि आज मतलब पहली बार डोनेट करने में इतना समय लग गया आपको? क्या कहीं डर था मन में? डर तो था, पता नहीं कमजोर हो जाते होंगे, मन में ऐसा लगता था कि ब्लड देने के बाद शरीर में वीकनेस आ जाती होगी। आज सेक्टर 9 के डॉक्टर्स भी यहाँ उपलब्ध हैं, उन्होंने क्या बताया कि रक्तदान करने से कितने मिनट में रक्त वापस आ जाता है अपने आप? बताया कि नहीं, मतलब नॉर्मल हो जाएगा मतलब कुछ समय में, लेकिन है कि मतलब इससे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि उनसे पता है सारी मतलब मेरे को हिम्मत हुआ कि नहीं मैं भी ब्लड डोनेट कर सकूँ, ऐसा कर मेरे को पहले कभी मैं ज्वाइन नहीं किया था। डर खत्म हुआ कि नहीं? मतलब हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्रनाथ सीएमओ इंचार्ज सेक्टर 9 अस्पताल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारी दीपशिखा बिरला ने की। डाक विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को सेक्टर 9 अस्पताल के सहयोग से पूरा किया गया। सेक्टर 9 अस्पताल में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर एवं पूरा स्टाफ ने अपनी उपस्थिति देकर डाक विभाग के परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें उनसे जुड़ी हुई बीमारियों के लिए उचित मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया। कार्यक्रम को लेकर सेक्टर 9 अस्पताल के सीएमओ इंचार्ज डॉक्टर रविंद्रनाथ एवं विशिष्ट अतिथि आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारी दीपशिखा बिरला ने हमें जानकारी दी। देखिए, पहली बात है कि रक्तदान जो करना, ये संकल्प जो डाक विभाग ने लिया है वो सराहनीय है और ऐसा बार बार करने का हर विभाग जो है, चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, अगर हम सोचेंगे कि स्वैच्छिक रूप से रक्तदाता बनेंगे तो एक महायोगदान रहेगा सोसाइटी के लिए, तो ये बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि डाक विभाग ने इस तरह की सोच रखते हैं और उनके कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो पहली बात वो है। तो ये सब ये एक एग्जाम्पल सभी लोगों के लिए है कि इस तरह से काम हमको करना चाहिए और इस तरह जब आप करेंगे तो जो स्वैच्छिक रक्तदाताओं के जो भंडार है ना, बढ़ जाएगा। तो किसी पर फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती किसी से रक्त आप डोनेट नहीं करवा सकते, तो ऐसे रक्त जो है ना वो ज़्यादा स्वस्थ और सेफ रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति डोनेट करने आएगा वो किसी लाभ के लिए या किसी पहचान के लिए नहीं आएगा, वो अपने स्वयं एक एक डोनेट करने का या सेवा करने के भाव से आके डोनेट करता है, ऐसे रक्त ही स्वच्छ और सेफ रहता है। तो इसीलिए पेशेंट्स में यूज़ करने में डॉक्टर लोगों को बहुत ही उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि रक्त हम यूज़ कर सकते हैं और अपना भंडार सुरक्षित रहता है और पेशेंट्स को इधर उधर भटकना ना पड़े कि रक्त ना नहीं है, तो इस तरह से काम से हमारे सोसाइटी और पेशेंट्स को बहुत लाभ होता है। जैसे आज हमने ये जो कदम उठाया है, इससे दूसरे लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलेगी कि ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, कोई भी कर सकता है, इससे आपका स्वास्थ्य और बेहतर होगा और आपको किसी की लाइफ में हीरो बनने का भी मौका मिलेगा। तो मैं सबको प्रोत्साहित करती हूँ कि वो आएँ और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान। रक्तदान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक ब्लड का प्रोसेस होता है नॉर्मल, जिससे फ्लो भी ठीक रहता है। आप नॉर्मली 3-4 महीने में आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका भी हेल्थ सही रहता है और आपको दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज करने का भी मौका मिलता है। ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सर ने बताया था, प्लेटलेट्स होते हैं और सीरम होता है,
जो डिफरेंट डिजीज में आप दूसरे लोगों को दे सकते, आप अपना स्वास्थ्य सही रखेंगे तभी दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। दुर्ग डाक संभाग विभाग के उप अधीक्षक पूजा तिवारी ने डाक कर्मचारियों के लिए आयोजित इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविर की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। आज यहाँ संभागीय कार्यालय दुर्ग और सेक्टर 9 हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का एवं निशुल्क स्वास्थ्य दान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे संभागीय कार्यालय दुर्ग के समस्त कर्मचारी अधिकारीगण, साथ ही हमारे जो दुर्ग भिलाई के जितने भी डाकघर हैं वहाँ के कर्मचारी इस स्वास्थ्य जाँच शिविर में एवं रक्तदान शिविर में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और वे रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं एवं अपना स्वास्थ्य जांच शिविर में भाग लेकर अपना परीक्षण करवा रहे हैं। जी जी, इसका उद्देश्य है कि हमारे जितने भी डाक कर्मचारी हैं उनके बीच उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर एक जागरूकता फैलाना, साथ ही हमारी व्यस्ततम दिनचर्या में कई बार हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते। कई बार कई लोग हम देखते हैं अपने आसपास की, कई लोगों को काफ़ी समय से बीपी की शिकायत रहती है, शुगर की शिकायत रहती है जो कि अनडायग्नोज रह जाती है। वो अपने व्यस्त दिनचर्या के वजह से अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो एक सामान्य जाँच परीक्षण यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें मैंडेटरी बीपी टेस्ट, शुगर टेस्ट, वेट का टेस्ट ये सब किया जा रहा है, जिससे लोग लाभान्वित होंगे और थोड़ा बहुत उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ साथ जो एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, इसमें लोगों से हमारी अपील है कि यदि वे स्वास्थ्य के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल CBC सब निर्धारित मानकों के अनुरूप है, तो वे भी इस मुहिम में आगे आएँ और स्वैच्छिक रक्तदान करके रक्तदान महादान के संकल्प को पूरा करें। डाक विभाग के दुर्ग संभाग संभागीय कार्यालय सिविक सेंटर भिलाई दुर्ग में आयोजित डाक कर्मचारियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ डाक कर्मचारियों ने परिवार सहित उठाया और अपने अधिकारियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद भी कहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।